ओके दोस्तों, मेरा नाम है संजय राजोरा। कुछ लोग मेरे को जानते हैं क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करने आता रहता हूं। और हम एक शो करते हैं जिसका नाम है भारत एक मौज। और हर एपिसोड में हम कुछ 3-4 मौजें इकट्ठी करते हैं अपने मुल्क की और उनके बारे में हंसी उड़ाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो, दैट वॉज माई फर्स्ट जोक, आई गॉट लाफ। ओके, या आई प्रेफर स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज माई इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड। ओके, सो वट एवर टाइम यू हैव इन इंडिया, यू कैन इन्वेस्ट सम टाइम इन लर्निंग आवर लैंग्वेज, यू नो, अदरवाइज वी गेट रियली अग्रेसिव। इन एवरी एपिसोड वी टॉक अबाउट कि पिछले एपिसोड और इस एपिसोड के बीच में क्या क्या मौजें हुई। जब से पिछले कुछ 4 साल से 3 चीज़ों पे बहुत सॉलिड असॉल्ट हो रहा है इंडिया में। एक औरतों पे, एक माइनॉरिटीज पे और एक साइंस पे। डू यू गाइस एग्री? जोर से बोलो ना यार, सबके सब कांग्रेसी हो तुम। हाँ, क्योंकि वही उन्हीं को ही प्रॉब्लम हो रही है अब। और उसमें बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स एंड बिकॉज ऑफ द इरेशनैलिटी दैट इज सेलिब्रेटेड नाउ, बिकॉज रिग्रेसिव इज द न्यू कूल इन दिस कंट्री। द मोर रिग्रेसिव यू आर, कूलर यू आर, एंड यू फ्लॉन्ट इट ऑन ट्विटर, एंड यू ऑल्सो फ्लॉन्ट दैट दीज मेनी मिनिस्टर्स आर फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर। तो एक से बढ़ के एक मौजूद है इस मुल्क में। अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी पद्मावत, लेकिन राजपूतों ने एक नया एजेंडा खड़ा कर दिया था उसको लेके। वो चले थे दीपिका की नाक काटने, लेकिन पद्मावती का आई काट के खुश हो गए। बट वॉट एज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम राजपूत। लेकिन राजपूतों ने इस चक्कर में क्या किया कि वो पद्मावती के केस में स्कूल बस थी बच्चों से भरी हुई, उस पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, उसको आग लगा दी, बहादुरी दिखाई गुड़गांव में। सो अब से 400 साल बाद जब इस इंसिडेंट की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो यही लिखा जाएगा, बहुत बहादुरी से लड़े थे उस दिन गुड़गांव में राजपूत और उनकी औरतों ने जौहर किया। जौहर पर बड़ा प्राइड फील करते हैं। और पद्मावती के टाइम पर कोई 150-200 राजपूत औरतों ने हमारे प्रधान सेवक चौकीदार साहब को चिट्ठी लिख के दी कि हम सब मरना चाहते हैं, हमें इजाज़त दो। बट दे फॉरगॉट कि जो हमारे चौकीदार साहब हैं वो मांस में मरने की इजाज़त सिर्फ गुजरात में देते हैं, गलत टेबल पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो। तो ये अब जब ये 400 साल बाद जब ये लिखा जाएगा तो पता नहीं उस बस के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के बच्चे बैठ जाएंगे, राजपूत फिर इसकी शान में बोलेंगे कुछ ना कुछ कि हमने ये किया, हमने वो किया। दूसरा असॉल्ट साइंस के ऊपर, आपने सुना ही होगा, एक मिनिस्टर साहब बोले डार्विन की थ्योरी बकवास है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक ने लिख कर के बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं लिखा गया। ठीक है कि मैंने बंदर को आदमी बनते हुए, हमारे दादे परदादा ने भी नहीं देखा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डॉन ब्रेडमैन हैज सेड दैट आई संजय राजोरा इज क्या बोलते हैं, इज अ सुपीरियर बैट्समैन टू डॉन ब्रेडमैन, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप चेक नहीं कर पाओगे ब्रेडमैन कब का मर चुका है। यू कैन नॉट कन्फर्म इट के ब्रेडमैन सब आपने बोला था या नहीं बोला था। ठीक है, हमारे यहाँ भी हर्षवर्धन जी ने बोला कि वेदाज आर सुपीरियर टू इजिकल टू एमसी स्क्वायर, लेकिन हॉकिंग के एक दिन मरने के बाद, ताकि कोई चेक ना कर ले जाके। हॉकिंग चैन की मतलब मुझे लगता है शर्म से ही मर गया होगा कि कहीं ये ना हो जाए मेरे बाद में। एंड देर इज एक्चुअली अ वीडियो ऑन इंटरनेट जहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन कर रहा है कि हॉकिंग की डेथ इस दिन क्यों हुई थी, स्टार्स फॉर अलाइंड ना। ठीक है, वॉट डज इट मीन दैट वेदाज आर सुपीरियर टू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वॉट डज इट मीन? अब मैथ्स में सुपीरियर का तो कोई साइन ही नहीं होता। इक्वल टू बोलो समझ में आता है, नॉट इक्वल टू बोलो समझ में आता है, ग्रेटर देन बोलो, लेसर देन बोलो, वॉट इज सुपीरियर? मैं बहुत दिन तक दिमाग खपाता रहा इसमें कि ये कहना क्या चाह रहा है ये आदमी यार, कि वेदाज आर सुपीरियर टू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये हॉकिंग ने कहा है। एंड देन आई रियलाइज्ड फॉर एन अपर कास्ट हिंदू एवरीथिंग इज रिड्यूस टू कास्ट, वेदाज आर सुपीरियर टू एमसी स्क्वायर इज लाइक सेइंग ब्राह्मण्स आर सुपीरियर टू दलित विदाउट एनी लॉजिक। ये एमसी स्क्वायर को उसने दलित बना दिया। अभी ये त्रिपुरा के मिनिस्टर, हमारे कंट्री में रेस हो रही है कि बेवकूफाना बयानबाजी में कौन जीतता है। इस बार ये त्रिपुरा के मिनिस्टर सीएम साहब वो जीत गए, बोलते हैं महाभारत में इंटरनेट था। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था, तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था,
इंटरनेट था, सैटेलाइट थी, संजय के आंख से कैसे देख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। मैंने मान लिया महाभारत के टाइम पे इंटरनेट था, मान लिया मैंने, बीच में गायब कहां हो गया? उस वक्त भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी क्या? गायब कहां से हो गया? और भाई इंटरनेट है, ठीक है, आपने सिर्फ उसको वॉर के लिए इस्तेमाल किया, वॉर के डायरेक्ट टेलीकास्ट के लिए है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो टिंडर नहीं था? बेमतलब है वो अर्जुन मछली की आंख पे निशाने लगा रहा है, उसकी परछाई उधर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि राइट स्वाइप से काम हो जाता उसका सारा काम। बट ये त्रिपुरा के सीएम साहब जो है ना, ही वॉज अ बॉडी बिल्डर और दिल्ली में किसी जिम में इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने बड़े डोले शोले बनाए, बड़ी बॉडी बॉडी बना ली, इतना टाइम लगा दिया बॉडी बिल्डिंग में कि दिमाग को बिल्ड करने का टाइम नहीं मिला उनको, दिमाग की कसरत नहीं कर पाए, तो फिर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक और दो तीन दिन पहले एक और मौज हुई, वो कि एक भाई ने आके ट्विटर पे लिखा कि मैंने ओला कैंसिल कर दी क्योंकि जो ड्राइवर था मुसलमान था और मुझे जिहादियों को पैसे नहीं देने। भाई तू ना बैलगाड़ी में ही चल, एक तो गाय की स्पीशीज चलाती है उसको, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग ने एनवायरमेंट को इतना खराब किया हुआ है, तुम बैलगाड़ी पे चलोगे कम से कम बैलगाड़ी तुम्हारे दिमाग की स्पीड से तो चलेगी, लाइफ में कुछ सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगा। और इतनी सेल्फ इंपॉर्टेंस अपने आप को कि मैं जिहादी को पैसे नहीं दूंगा, मतलब आईसिस की जिहाद इसके 200 रुपए से रुकी हुई है कि वो वेट कर रहे हैं कि जब ये भाई 200 रुपए देगा तब जाके हम अपना जिहाद शुरू करेंगे। इतनी इंपॉर्टेंस अपने आप को, बचपन में कोई प्रॉब्लम होगी थी क्या? गिर गया था कहीं, सिर पर चोट लग गई थी, डॉक्टर के हाथ से गिर गया था, क्या है यार? फासिज्म भी लाने तो ठीक से तो लेके आओ, क्या पाकिस्तानी कॉपी करे यार। एंड एक हमारे जो चौकीदार हैं, वो उनकी जबान को ना भारत का मौसम रास नहीं आता है, उसको गर्मी लगती है, ठीक है, वो यहाँ तो कुछ बोलते नहीं है। मेरे गांव में कहावत है कि जबान का और सर का ना दुश्मनी होती है एक दूसरे से, मेरे गांव में कहते हैं, क्योंकि जबान तो कुछ भी बोल के अंदर घुस जाती है, पिटाई सर की होती है। तो इसलिए हमारे चौकीदार साहब ना हिंदुस्तान में कुछ नहीं बोलते हैं। अभी इतने सारे बच्चियों के रेप हुए, हाहाकार मचा हुआ है, मुंह से आवाज़ ही निकली, पुर्तगाल के जंगल में कुछ महीनों पहले आग लगी थी, ट्वीट कर दिया था, माई सिंपथीज इज पुर्तगीज पीपल। तुम्हें पता भी नहीं है कि कितने लोग वहाँ पे मरे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोलना उनको, उनकी जबान खुलती है विदेश में जाके। अभी इंग्लैंड में बोल रहे हैं रेप को पॉलिटिसाइज मत करो। जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। अगर कोई आदमी सारी जिंदगी गुड़ खाए और फिर बाद में बोले यार मीठा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो दुनिया हंसेगी उस पर। जब ये ऑपोजिशन में थे तब ये रेप से लेके पेट्रोल से लेके कुकिंग गैस से लेके पेपर से लेके दाल से लेके हर चीज को पॉलिटिसाइज करते थे। कमल के निशान पर बटन दबाइए। अब ये कह रहे हैं रेप को पॉलिटिसाइज मत करो, लेकिन एक्चुअली क्या है, अमेरिका और इंग्लैंड का ऑडियंस ना बहुत काइंड है इनको लेके, ये कुछ भी बोल देते हैं ऑडियंस बड़ा खुश हो जाता है। जैसे अभी 2 साल पहले जब इंग्लैंड में गए थे, वहां पे बोले थे कि भाई बहनों आपने सुना होगा जेम्स बॉन्ड ब्रुक बॉन्ड, मैं लेके आ रहा हूँ रूपी बॉन्ड, और वो जो जितना ऑडियंस वहां पे बैठा होता है सब चिल्लाने लगा मोदी 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 करके, खुश हो गए वो। तो जब इतना काइंड ऑडियंस से सवाल क्या पूछ रहे थे कि आपकी एनर्जी का राज क्या है, दैट वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड, कि आपकी एनर्जी का राज क्या है। और अगर उस टाइम हमारे चौकीदार साहब ये बोल देते ना बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो उस पर भी ये सारा का सारा ऑडियंस वाह यार क्या विजनरी बंदा है यार, क्या बात करी है, क्या मजेदार आदमी है। जब जब देश के अंदर इतनी आग लगी हुई है, जब इतने विभत्स कांड हो रहे हैं कि 9-9 साल की 8-8 साल की बच्चियों को रेप कर रहे हैं और मार रहे हैं, तो चौकीदार ही भाग गया, चौकीदार बाहर भाग गया। मैं तो कह रहा हूं ताले लगा लो देश पे, ताकि वापस आके खटखट आए ना मैं आ रहा हूं तो पता चले घर में कोई नहीं है, ऐसे चौकीदार को फायर करो। यही था सर आज का। थैंक यू। गुड़गांव कौन सा गुजरात से कम है। थैंक यू वेरी मच।